इनका एक ही उसूल है, सुबह को पियो 900 ग्राम, शाम को पियो 200 ग्राम और फिर बोलो जय श्री राम। ये इनका हिसाब है। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने से भारत विश्वगुरु बन जाएगा। अच्छा। मैं खुलेआम बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी जी झांसा राम है। इन झांसा राम ने देश को झांसे में डाल रखा है। पार्टी नहीं, ये गिरोह चल रहा है जो गिरोह इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। अच्छा। देश में मैसेज क्रिएट कर रखा है हिंदू मुसलमान का, मंदिर और मस्जिद का। ये पार्टी के नेता जितने भी राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचेंगे, ये सारे के सारे मीट मच्छी सब खाते और राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचेंगे, आप देखिएगा। और वहां से राम का नारा लगाएंगे। इस देश को बर्बाद करने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं, ना पाकिस्तान की ना चाइना की। अगर मोदी जैसे 10 नेता और इस देश की कुर्सी पे बैठ गए तो ये देश अपने आप तबाह हो जाएगा। क्योंकि ये देश अगर आज बर्बाद है तो नफरत के कारण, जो नफरत की दीवार मोदी सरकार ने खड़ी करी है, ये नफरत की दीवार आने वाले 10 साल के 50 साल में भी खत्म नहीं हो सकती। और इतने बेवकूफ लोग हैं इस देश के जिनको पता होते हुए भी कि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, फूट डालो शासन करो, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा कर गए, लेकिन आज दोबारा से ये फिर उसी गलती को दोहरा रहे हैं। और गलती को दोहराओगे तो आप भुगतान भी भुगतो। कोई इंडिया एयरलाइंस कामयाब नहीं होगा जब तक ईवीएम पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, अंकुश नहीं लगेगा। नरेंद्र मोदी 350 पार जा रहा है, आज लिखकर दे रहा हूं, वरना आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर यही नरेंद्र मोदी 35 सीट भी लेकर आ जाए तो आप नाम बदल दीजिएगा। अच्छा। लेकिन अगर ईवीएम रहा तो 350 पार जाएगा, ये बात आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं। चाहे देश में महिलाओं के साथ कुछ भी हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, जनता को फर्क ही नहीं पड़ता। जनता को वो सड़ा हुआ जो मुर्गी जो चावल खाती है, वो चावल देकर इन्होंने खरीदने का काम करा है, सड़ा हुआ गेहूं देकर खरीदने का काम करा है, और वही जनता जो है इसी राशन में बिक चुकी है। जनता को मानसिक तौर पर अपाहिज बना दिया, लोग काम करने के लिए जाते नहीं, गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया, लकड़ी तोड़ने पर केस कर दिया, यही भाजपा ने किया है। सर उठाकर पहले नहीं जीते थे क्या, जरा ये बताइए। अगर सर उठाकर पहले नहीं जीते थे तो जब देश आजाद हुआ 35 करोड़ की जनसंख्या थी हिंदुओं की, आज 100 करोड़ पहुंच गई। सर उठाकर जीने को किसी ने मना किया है? पहले हिंदुओं के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बना करते थे, आज इन्होंने हिंदुओं के बच्चों को बजरंग दल, आरएसएस इसमें घुसेड़ दिया। और सिर्फ बीजेपी के नेताओं के बच्चे, कोई बीसीसीआई में बिना क्रिकेट खेले जा रहा है, कोई विदेश में पढ़ने के लिए जा रहा है, बाकी जनता को पागल बनाया जा रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि ये जो जीत है ये जीत ईवीएम की है, और मैं कहता हूं कि आप अगर मोदी को वोट देते हैं तो दीजिए। आज आपकी जो हालत है, अगर उससे बदतर हालत पे नरेंद्र मोदी ने इस देश को लाके खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और उठाकर फिर सुनिएगा इस इंटरव्यू को, तब आपको पता चलेगी कि आज तो भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ का ही कर्ज है, अगर इस 205 के कर्जों को डबल ना कर दिया मोदी सरकार ने 24 में आने के बाद, तो आप मोहित शर्मा का नाम बदल दीजिएगा। ये कर्जा उतरने वाला नहीं है, विश्वगुरु बनना है। बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है और आप कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनना है, हैं? आप कहते हैं कि विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत देश के जवान सुरक्षित नहीं है। अभी भी 2 दिन पहले आपने देखा हमारे जवान शहीद हुए। जिस देश में जवान सुरक्षित ना हो, जिस देश का किसान सुरक्षित ना हो और जिस देश की बेटियां सुरक्षित ना हो, आप उस देश को विश्वगुरु बताते हैं? कैसे विश्वगुरु हो गया भारत? हिंदू और मुसलमान को लड़ाने से भारत विश्वगुरु बन जाएगा, ये बताइए ना आप मुझे। और आप इस देश के लोगों को इतिहास ही तो नहीं पढ़ाते, हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको इतिहास के बारे में। जिन मुसलमानों की आप बात करते हो, पहुंच जाइए आप इंडिया गेट और देख लीजिए कि शहीदों में किसका नाम सबसे ज्यादा लिखा हुआ है, उसमें आएगा आपको मुसलमानों का निकलकर। आप क्या बात करते हैं, मीर उस्मान अली ने इस देश को 5 टन सोना दिया, आपको पता ही नहीं है इस देश के इतिहास के बारे में। और एक बात मुझे बताइए, जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाई तो उसके बाद में जब उससे पूछा जाता है कि आपने गोली क्यों चलाई, तो कहा जाता है कि पठान जो है वो लड़ाई से भाग रहे थे जिस कारण हमने गोली चलाई। 76 दिन पोस्टमार्टम चला और एक पठान का बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान आगे आकर बोलता और कहता है कि अगर एक भी पठान की सीने पर के अलावा अगर पीठ पर गोली मिल गई तो पठान आजादी की लड़ाई से, यानी मुसलमान आजादी की लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। 14 दिन पोस्टमार्टम चला और 76 पठानों की लाश का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन एक भी पठान की जो है पीठ पर गोली नहीं पाई गई, सबकी छाती पर गोली पाई गई। और आज आप उसी देश में लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे। आप पढ़कर देखिए बहादुर शाह जफर के बारे में, जिनके बेटों का सर काट के उनको नाश्ते में पेश किया गया, रंगून की जेल में बंद थे उस टाइम पे बहादुर शाह जफर, और उनके बेटों का सर काट के रख दिया, और आप कहते हैं कि मुसलमान ने देश से गद्दारी करिए। अरे ये इस देश में रह रहे हैं, आज फौज जो है वो हिफाजत कर रही है देश की, उसमें मुसलमान भी हैं फौज में। अगर अनाज पैदा कर रहे हैं तो अनाज पैदा करने में किसान भी हैं और किसान भी हैं मुसलमान। हर तरीके से देश की इकोनॉमी को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात बोल देता हूं, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से लगातार देश के अंदर बढ़ते कर्जे की रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत देश के ऊपर कैसे कर्जा बढ़ता जा रहा है, इन सब चीजों का सवाल देश की सरकार के पास नहीं है। तो सरकार के पास एक ही रास्ता बचा था और वो ये था कि जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उनको उठाकर बाहर बिठा दिया जाए। और नरेंद्र मोदी जी
संसद को अपना पार्टी कार्यालय समझ रहे हैं, जिसमें सिर्फ मोदी जी की वाहवाही और उनकी जयकारे के नारे लगाने वाला ही व्यक्ति इस देश में बैठेगा, पार्लियामेंट के अंदर बैठेगा। और मैं एक चीज कहता हूं, जिस तरीके से आज IMF की रिपोर्ट सामने आई है, IMF इस देश के लोगों को पता भी नहीं होगा कि IMF है क्या। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने एक रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट में उसने कहा है कि भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो हो चुका है। जो कर्जा, पहले मैं आपको बता दूं, 1947 से लेकर 2014 तक, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई थी, 2014 में नरेंद्र मोदी के हाथ में इस देश की कमान संभाली गई, उस वक्त पर देश के ऊपर 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जिस कर्जे को बढ़ाकर नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 81% बढ़ाया और भारत देश के ऊपर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया गया था। लेकिन जब आप अब उस रिपोर्ट को अपडेट करेंगे तो भारत देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं देश का प्रत्येक नागरिक 1,40,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है, प्रत्येक नागरिक। आप ये सोचकर देखिए कि एक और आपको बिजी कर दिया हिंदू मुसलमान में, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद ने कहीं ना कहीं देश के अहम मुद्दों को, जनता के सवालों को दबाकर दफन कर दिया। इस देश की मीडिया 24 घंटे टीवी खोल के देखो, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, चर्च और मस्जिदों के बीच में अटका रखा है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस देश के लोगों के आपस लड़ने से भारत देश की इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी? क्या हिंदू और मुसलमान के लड़ने से भारत देश के ऊपर चढ़ा कर्जा उतर जाएगा? तो इन सवालों का जवाब है नहीं। भारत देश के ऊपर ये जो कर्जा चढ़ रहा है, ये कर्जा तभी उतर सकता है जब देश के लोग एकजुट होकर व्यापार करें, और देश तभी तरक्की कर सकता है जब देश में नई नई कंपनियां बने। जब सारा उद्योग एक ही उद्योगपति के हाथ में दे दिया, जिसका नाम अंबानी और अडानी है, जनता को कंगाल करके अंबानी और अडानी को मालामाल कर दिया, अंबानी और अडानी पर सवाल करने पर पार्लियामेंट के अंदर लोगों की सदस्यता चली जाती है, नरेंद्र मोदी अडानी को लेकर जवाब नहीं देते हैं, और अगर कोई संसद में पूछ ले कि संसद के अंदर कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई, तो सांसदों को निकाल बाहर खड़ा कर दिया जाता है। अब एक मैं आपको बताता हूं कि भारत कैसे पहुंचा 155 लाख के कर्जे से, 55 लाख कर्जे से कैसे 1,00,000 करोड़ के कर्जे में, और 105 लाख करोड़ के कर्जे से कैसे 205 लाख करोड़ तक के कर्जे तक पहुंचा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये पोस्टर जो पहले बहुत चलता था 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, तो देश की बिकाऊ और सड़क छाप मीडिया इस पोस्टर को चलाया करती थी, आप देख लीजिए। इस पे लिखा है, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब यह पोस्टर विलुप्त हो गया है, अब तो सिर्फ टीवी चैनल और अखबारों पर एक ही चीज दिखाई जाती है, मंदिर मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, ठीक है। लेकिन तस्वीरों में यह नहीं दिखाया जाता कि यह तस्वीर है सऊदी के प्रिंस और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। एक और, हमारे देश के मुसलमानों से भाजपा की बेहद नफरत, और दूसरी ओर विदेश के मुसलमानों को गले से लगाते हैं, उनके तो हाथों पर किस तक लेते हैं। आज की डेट में कोई मुद्दा इस देश के अंदर नहीं दिखाया जाता। ये रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की मेरे हाथ में, जिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग जो है, जिस पाकिस्तान से भारत देश की तुलना करी जाती है, उसका स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 है। बांग्लादेश का 81, जिस बांग्लादेश को हमने बनाया 1971 में, पाकिस्तान के दो टुकड़े करे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया। नेपाल इसमें जो है आपका 69 नंबर पर है, और श्रीलंका 60वें स्थान पर है, और भारत की आपको रैंकिंग की बात करें तो 107वें नंबर पर भारत है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी के मामले में। और ये मेरे कोई घर का डाटा नहीं है, आप जाके इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिस पर सर्च करने पर आपको पता चलता है कि भारत का सबसे फेकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब बात करते हैं कि देश के ऊपर ये कर्जा बढ़ा तो बढ़ा कैसे, उस सवाल का आपको जवाब देता हूं कि भारत के ऊपर कर्जा कैसे बढ़ा। ये देख लीजिए, ये RBI की जो रिपोर्ट है, मैं आपको बता दूं, जिसमें जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनका कर्जा माफ किया गया। किसान का कर्जा माफ करने पर सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अपने व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ किया जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा हो, चाहे फिर वो तमाम बड़े बड़े उद्योगपति मेहुल चौकसी या तमाम लोग हों, उनके कर्जे माफ किए जाते हैं और जनता का पैसा लूट के उन उद्योगपतियों का कर्जा इस देश में माफ किया जाता है, जिस कारण ये जो भारत देश के ऊपर कर्जा है। और मैं पूछना चाहता हूं कि 24 घंटे घर पर खाली बैठे ठलुए बैठे उन तमाम अंध भक्तों से जिनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, और वो इस देश के नौजवानों को नसीहत दे रहे हैं कि आप पकौड़े तलें, मैं पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने इस देश में IIT कर रखी है, इंजीनियर कर रखी है, मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है, क्या वो पकौड़े तलेंगे? गृहमंत्री का बेटा पकौड़े क्यों नहीं चलता? देश को एक झांसे में डाल रखा है झांसा राम ने। एक आसाराम था, ये झांसा राम है। कौन है झांसा राम? नरेंद्र मोदी जी। इनका एक ही उसूल है,
सुबह को पियो 900 ग्राम, शाम को पियो 200 ग्राम और फिर बोलो जय श्री राम। ये इनका हिसाब है। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने से भारत विश्वगुरु बन जाएगा। मैं खुलेआम बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी जी झांसा राम है। इन झांसा राम ने देश को झांसे में डाल रखा है। पार्टी नहीं, ये गिरोह चल रहा है, जो गिरोह इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। देश में मैसेज क्रिएट कर रखा है हिंदू मुसलमान का, मंदिर और मस्जिद का। ये पार्टी के नेता जितने भी राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचेंगे, ये सारे के सारे मीट मच्छी सब खाते और राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचेंगे, आप देखिएगा। और वहां से राम का नारा लगाएंगे। इस देश को बर्बाद करने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं, ना पाकिस्तान की ना चाइना की। अगर मोदी जैसे 10 नेता और इस देश की कुर्सी पे बैठ गए तो ये देश अपने आप तबाह हो जाएगा। क्योंकि ये देश अगर आज बर्बाद है तो नफरत के कारण, जो नफरत की दीवार मोदी सरकार ने खड़ी करी है, ये नफरत की दीवार आने वाले 10 साल के 50 साल में भी खत्म नहीं हो सकती। और इतने बेवकूफ लोग हैं इस देश के जिनको पता होते हुए भी कि अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, फूट डालो शासन करो, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा कर गए, लेकिन आज दोबारा से ये फिर उसी गलती को दोहरा रहे हैं। और गलती को दोहराओगे तो आप भुगतान भी भुगतो। कोई इंडिया एयरलाइंस कामयाब नहीं होगा जब तक ईवीएम पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, अंकुश नहीं लगेगा। नरेंद्र मोदी 350 पार जा रहा है, आज लिखकर दे रहा हूं, वरना आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर यही नरेंद्र मोदी 35 सीट भी लेकर आ जाए तो आप नाम बदल दीजिएगा। लेकिन अगर ईवीएम रहा तो 350 पार जाएगा, ये बात आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं। चाहे देश में महिलाओं के साथ कुछ भी हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, जनता को फर्क ही नहीं पड़ता। जनता को वो सड़ा हुआ जो मुर्गी जो चावल खाती है, वो चावल देकर इन्होंने खरीदने का काम करा है, सड़ा हुआ गेहूं देकर खरीदने का काम करा है, और वही जनता जो है इसी राशन में बिक चुकी है। जनता को मानसिक तौर पर अपाहिज बना दिया, लोग काम करने के लिए जाते नहीं, गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया, लकड़ी तोड़ने पर केस कर दिया, यही भाजपा ने किया है।